जय हिंद दोस्तों हमारी बगिया के फूलों और पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं कुछ इंसेक्ट पत्तियों के पीछे छिपे रहते हैं कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमको ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते जबकि कुछ इंसेक्ट रात्रि में आते हैं और पत्तियों को खा जाते हैं तो आज हम ऐसे ही पाँच खतरनाक कीड़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो हमारी पत्तियों को खा जाते हैं और पौधे को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं साथ ही इनसे बचने के लिए जैविक कीटनाशक किस तरह से तैयार करना है और किस तरह से उनको प्रयोग करना है इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ग्रास होपर ये पंख वाले कीट होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह उड़ जाते हैं ये अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं और घास के पीछे छिपे रहते हैं यह चाइनीज ग्रास है जो पत्तियों के समान दिखते हैं और पत्तियों में छिप जाते हैं ये ग्रासों पर हमारे पौधों की पत्तियों को खाए जाते हैं जो बड़े टिड्डे होते हैं वे पत्तियों को अधिक तेज़ी से खाते हैं और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं कैटरपिलर या यह हरे रंग का इल्ली पत्तियों के पीछे छिपा रहता है अधिकांशतः बालसम और चांदनी के पौधों में ये अधिक आक्रामक के साथ बढ़ते हैं आप देख सकते हैं चांदनी के पत्तियों को इन कीड़ों ने पूरी तरह से खा लिया है जब ये इल्ली बहुत बड़ी होती है तो तेज़ी से पत्तियों को खा जाते हैं इन इलियों से बचने के लिए तुरंत इन्हें पौधों से अलग कर शीघ्रता के साथ नष्ट कर देना चाहिए कैबेज लूपर्स यह भी एक इल्ली है यह कैटरपिलर से अधिक नुकसान करती है यह छोटी सी इल्ली पत्तियों के बीच जाले बनाती हैं उसमें अंडे देती है और इनकी संख्या बढ़ती जाती है ये इलियाँ पत्तियों को पूरी तरह से खा जाते हैं सामान्य रूप से मोगरा और जूही के पौधों में ये अधिक तेजी से बढ़ते हैं इनसे बचने के लिए संक्रमित पत्तियों को टहनियों को काट कर अलग कर देना चाहिए एस लिटूरा यह भी एक प्रकार की इल्ली है यह ज़मीन में छिपी रहती है और धीमी रोशनी होने पर निकलती है यह इल्ली काटन चुकंदर तथा तंबाकू की पत्तियों को खा जाती हैं पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं यह पत्तियों के साथ साथ तने को भी काट देती लेती है इस इल्ली में जब पंख आते हैं तो ये पतंग बनकर उड़ जाती है इससे बचने के लिए तुरंत इसे पत्तियों से अलग कर एक पात्र में रख देना चाहिए और इसे शीघ्र नष्ट कर देना चाहिए चाइनीज रोज बिटल्स यह एक प्रकार का भृंग है जो कि रात्रि में ही पत्तियों को खाने के लिए आते हैं दिन के उजाले में ये आसपास कहीं छिपे रहते हैं इन्हें धीमी रोशनी पसंद होती है इसलिए शाम होते ही ये पत्तियों खाने आ जाते हैं अधिक रोशनी होने पर ये दूर भाग जाते हैं आप देख सकते हैं यह भृंग पत्तियों के पीछे छिप कर पत्तियों को खा रहा है यह बीटल्स कपास तथा गुलाब की पत्तियों के पीछे छिप कर पत्तियों को खाते रहते हैं बहुत नुकसान पहुंचाते हैं इनसे तुरंत बचाव के लिए पौधों के आसपास रोशनी करने पर ये भाग जाते हैं इस तरह के इलियों और कीटों के से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पौधों के ऊपर नीम आयल का स्प्रे करना चाहिए इसके लिए एक लीटर पानी में थोड़ी सी लिक्विड सॉप तथा तीन चार एम नीम आयल को मिलाकर अच्छे से घोल तैयार कर लें पंद्रह मिनट के पश्चात सुबह और शाम पौधों के ऊपर स्प्रे करने से इस प्रकार के कीट भाग जाते हैं किंतु तो शीत ऋतु में केवल एक ही बार संध्या के समय इस, इस स्प्रे का छिड़काव करना चाहिए इसके अतिरिक्त लहसुन व मिर्च आधा कप पेस्ट बना लें उसे एक लीटर पानी में दो घंटे के लिए घोल कर रख दें तत्पश्चात पौधों के ऊपर स्प्रे करना चाहिए ऐसा करने से इसकी गंध से ये कीट दूर भाग जाते हैं और हमारे पौधों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते। फ्रेंड्स यदि आपके यहाँ नीम आल नहीं है तो आप 250 ग्राम नीम की पत्तियों को एक लीटर पानी में अच्छी तरह से उबाल कर इसमें थोड़ा सा लिक्विड सोप का घोल डालकर अच्छे से मिला लीजिए और इस घोल को पौधों के ऊपर स्प्रे कर दीजिए इसके असर से इस तरह के कीट पतंग और इल्लियाँ आपके पौधे से दूर रहेंगे आपके पौधा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा इस तरह की नई नई जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए जुड़े रहिए यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमें इसी तरह से सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार हैप्पी गार्डनिंग